सलामी देंगे, सलामी दो, हाथ नीचे, एक साथ राष्ट्र की शुरू करेंगे, राष्ट्र की शुरू कर। भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय हे, जय हे, भारत माता की जय। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी भारतीयों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू किया गया था और साथ ही भारत को संपूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था, और इसी वजह से आज 26 जनवरी का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भी तिरंगा फहराया गया और साथ ही सलामी भी दी गई। एनसीपी के नेता शमीम खान के ऑफिस पर भी विधायक जितेंद्र आवाड ने तिरंगा फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अशोक कडलक और कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र आवाड ने गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कहा है आपको सुना दें। कुछ ने अभी सभी मुंब्रा वासियों को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रजासत्ताक दिन जो है उनकी शुभकामनाएं, अच्छी तरह से लोगों का सेवा करना या लोगों की हिफाजत करना पुलिस का काम है वो हम कर रहे हैं, और लोगों का जो शिकायत है जो भी कुछ है उनकी जो शिकायत है यहाँ पूरी तरह से दर्ज होगी और लोगों का आश्वासन है कि हम लोगों की हिफाजत करेंगे। ये प्रजासत्ताक चुनाई हो, इस प्रजासत्ताक ने हमें स्वतंत्रता दी, स्वतंत्रता का महत्व इस प्रजासत्ताक के संविधान ने हमें समझाया। संविधान और प्रजासत्ताक का बहुत बड़ा रिश्ता है, वो रिश्ता कायम रहना चाहिए, क्योंकि संविधान रहेगा तो प्रजासत्ताक रहेगा, संविधान रहेगा तो स्वतंत्रता रहेगी। तो इसीलिए इस प्रजासत्ताक दिन के अवसर पर सभी मुंब्रा वासियों को और सभी देशवासियों से कहूँगा कि इस दिन पे हम अपना फर्ज बनाते हैं कि हम किसी भी हालत में हमारा संविधान बचा के रहेंगे ताकि हमारा प्रजासत्ताक चिरायु। सर, मुंब्रा में कहीं ना कहीं आपके एक बयान को लेकर के बहुत रोष है, मुझे लगता है आज प्रजासत्ताक दिन है उस पर बात करो, स्वतंत्रता के ऊपर बात करो, न कि बयानबाजी और बहस पे बात करो। वहीं मुंब्रा के बॉम्बे कॉलोनी में MIM पार्टी ऑफिस पर भी तिरंगा फहराया गया और लोगों को शुभकामनाएं दी गई। साथ ही आनंद कोलीवाड़ा में राजन कीने ने तिरंगा फहराया और सलामी देकर देशवासियों को मुबारकबाद भी दी है। राजन कीने और MIM नेता सैफ पठान ने इस मौके पर क्या कहा है आपको सुना दी। आज हमारा प्रजासत्ता दिन, गणतंत्र दिवस, आज इस दिन हमारे को संविधान मिला था और आज के दिन ही हमारे देश में पूरी संविधान लागू हुआ था। आज प्रजासत्ता दिवस, इस दिन को आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस दिन की मैं, इस प्रजासत्ता दिन, इस गणतंत्र दिवस की मैं सारे देशवासियों को, हमारे मुंब्रा वासियों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु। पहले तो मैं आपके यानी तमाम व्यूवर्स को रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर यानी बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे देश का संविधान दिवस, उसकी खुशी पूरे देश में मनाई जा रही है। स्पेशली आप देख रहे हैं कि मुंब्रा में आपने देखा होगा काफ़ी जगह पे मनाई जा रही है, आज हमारे हेड ऑफिस पे भी और भी दीगर जगहों पे मनाई जाएगी। तो बस सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। इसके अलावा गणतंत्र दिवस की धूम SK रेसिडेंसी में भी देखने को मिला, जहाँ तिरंगा फहराया गया और बाद में मंच पर कार्यक्रम भी बच्चों ने पेश किया और देशभक्ति गीतों से यहां लोग झूम उठे। इसी तरह से बाबा जी पाटिल स्कूल में भी तिरंगा फहराने के बाद बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर कुणाल पाटिल ने गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा है आपको सुनाते हैं। आज देश का 26 जनवरी बोले तो आज प्रजासत्ता दिन है। आज सही मायनों में सत्ता जो है आज प्रजा के हाथ में आएगी। इसी ही आज के एक थीम रख के आज ये हम बाबा जी सकाराम पाटिल विद्या मंदिर
इस हमारे स्कूल में आज कार्यक्रम अलग अलग तरीके से हमने आज आयोजित किया है। बच्चों में काफ़ी उत्साह है और अलग तरीके से लोगों को संदेश दे, इस तरह से हमने आज के कार्यक्रम अलग अलग मायनों में आयोजित किए।